कौन है हनुमान जी का भक्त जो बैट पर लिखता है ओम, और कौन है पाकिस्तान की बैंड बजाने वाला साउथ अफ्रीका का यह भारतीय खिलाड़ी। बीते शुक्रवार को चेन्नई में साउथ अफ्रीका के केशव महाराज ने कमाल कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गजब का धैर्य दिखाया और साउथ अफ्रीका को एक विकेट से मैच जिता दिया। भारत से है खास नाता केशव महाराज का। भारत के इस वर्ल्ड कप 2023 का रोमांच चरम पर है। फैंस को रोज शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कहीं रनों के अंबार लग रहे हैं तो कहीं एक एक रन के लिए टीमें तरसती हुई नजर आ रही हैं, जिससे दर्शकों का जमकर मनोरंजन हो रहा है। वहीं बीते शुक्रवार को मौजूदा वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अफ्रीकी टीम आखिरी मौके पर एक विकेट से मैच जीत गई। हालांकि मैच ऐसे फंसा हुआ था कि एक विकेट मिलते ही पाकिस्तान जीत जाता और एक बाउंड्री से साउथ अफ्रीका के केशव महाराज ने पाकिस्तान के खिलाफ भले ही 21 गेंद में 7 रन की पारी खेली हो, लेकिन इसे जीत का हीरो उन्हें ही बताया जा रहा है। इसकी वजह से साउथ अफ्रीका के सारे बल्लेबाज आउट हो गए थे तो केशव अकेले पिच पर डटे हुए थे। इतनी दबाव वाली स्थिति में वो काफी कूल और काम नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी नर पर कंट्रोल रखा और दक्षिण अफ्रीका को मैच जिताया। बता दें कि साउथ अफ्रीका के केशव महाराज का भारत से खास नाता है। वो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 33 साल के केशव महाराज भारतीय मूल के साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। वह एक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज और साथ ही ठीक ठाक बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। केशव के पूर्वज भारत के रहने वाले थे। वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले थे। उनका सुल्तानपुर से गहरा नाता है। इस बात का खुलासा खुद केशव के पिता आत्मानंद महाराज ने किया। आत्मानंद महाराज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पूर्वज 1874 के आसपास सुल्तानपुर छोड़कर साउथ अफ्रीका नौकरी की तलाश में गए थे। केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका में रहकर भी अपने हिंदू रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा। वे पूरी तरह से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। वह हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें जब भी भारत आने का मौका मिलता है तो वह यहाँ आकर मंदिर में दर्शन भी करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि केशव महाराज हनुमान जी के पक्के भक्त हैं। आपको बता दें कि केशव महाराज के बल्ले पर ओम लिखा होता है। उनके बल्ले पर कई बार ओम का स्टिकर देखा गया है। केशव महाराज ने अब तक अपने करियर में कुल 49 टेस्ट मैच, 36 वनडे और 26 T20 खेले हैं। उनके नाम टेस्ट में 158, वनडे में 44 तो T20 में 22 विकेट हैं। वहीं टेस्ट में महाराज ने 1129, वनडे में 202 और T20 में 78 रन बनाए हैं। केशव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 5 अर्धशतक भी ठोके हैं। तो दोस्तों, आपको इस खिलाड़ी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारतीय खिलाड़ी को भी इस खिलाड़ी से कुछ सीखना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।